bismillah hirrahmanirrahim assalamu alaikum my dear students i hope you all are doing very well with good health i am your science teacher and i welcome you all to the science online class i would like you all to open your books and take out your science copies so open your science copies after syllabus you have to write the unit name unit number 1 living things lesson number 1.1 our body structure सिलेबस जो आपने लिखा है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने इस तरह से ये यूनिट का नेम लिख देना है ठीक है इसके बाद हम फर्दर uh, मूव करते हैं अपनी लेसन आउटलाइन की तरफ सो दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज इस पेज को आप प्रिपेयर कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द मार्जर लाइन्स देन यू हैव टू राइट द डेट फॉर एग्ज़ाम्पल टूडे इज ट्यूजडे मे फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड क्लास वर्क ये लिख दिया आपने उसके बाद लिखें यूनिट नंबर वन लेसन है वन पॉइंट वन आर बॉडी स्ट्रक्चर ये तीनों चीज़ें आपने अंडरलाइन कर देनी है ठीक है स्केल से पेंसिल स्केल से आपने इनको अंडरलाइन कर देना है नेक्स्ट आपने लिखना है लेसन आउटलाइन लेसन आउटलाइन हमारे पास क्या होती है जो हमने लेसन में जो जो चीज़ें हमने कवर की हैं उसके बारे में सारा हमने लिखना है ठीक है कि क्या क्या चीज़ें हमने की है तो लेसन आउटलाइन लिख दी आपने उसको भी आप अंडरलाइन कर दें पहले हमने लेसन में रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की है ये लिख दें आपके पास स्पेलिंग है रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन फिर आपने लिखने हैं क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन लिख के स्लैश डालें फिर आंसर्स रेफरेंस दें पेज नंबर थ्री पेज नंबर थ्री पे बुक की पेज नंबर थ्री पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कॉपी में करेंगे ठीक है नेक्स्ट right right है सर्कल द राइट आंसर पेज नंबर थ्री फ़ोर बुक के पेज नंबर थ्री एंड फोर पे सर्कल द राइट आंसर हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बुक पे करवा दिए हैं ठीक है थीके? फिर है आपके पास मैच द बॉडी पार्ट्स जो हम बुक में कर चुके हैं वो किस पे थे पेज नंबर फोर पे वो भी आप मेंशन कर दें फिर आप लास्ट में लिखेंगे ओवरऑल जो आपने किया है पेज नंबर ओवरऑल यूनिट जो आपका कवर हुआ है वो हुआ है पेज नंबर वन से लेके पेज नंबर फोर तक तो ये आपका आपके पास पूरा आ गया ओवरऑल आपका यूनिट पेज वन टू फोर पे कवर हो जाता है ठीक है सो दिस इज़ योर लेसन आउटलाइन इसी पैटर्न से आपने इसको करना है और एंड पे आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है ठीक है आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा एंडिंग लाइन मस्ट ड्रॉ करनी है आपने नाउ विल मूव टूवर्ड्स आर क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे आपने नेक्स्ट पेज पे भी मार्जर लाइन ड्रॉ कर देनी है पेज प्रिपेयर कर लें फिर आपने लिखना है टॉपिक और रेफरेंस टॉपिक हमारा है क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस है पेज नंबर थ्री ठीक है पेज नंबर थ्री पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर है जो हम इस पे करेंगे क्वेश्चन नंबर वन आपने लिख देना है नेम फोर मूवेबल जॉइंट्स फोर मूवेबल जॉइंट्स के बारे में आपने लिखना है आपने उनके नेम्स लिखने हैं मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं जो मूव होते हैं हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से हैं आंसर लिख देना है आपने मूवेबल जॉइंट्स आर Number one, elbow, ELBOW, two, shoulder, SHOULDER, three, hips, 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 and four, knees, KNEWES, knees. So these are the four movable joints. ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ठीक है ये लिख दिया आपने नीचे तक इसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है दिस वॉज़ योर क्वेश्चन नंबर वन नाउ वील मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू उसके नीचे ही आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है उसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज़ आवर बॉडी मेड ऑफ़ हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है तो हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से बनी है ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसका आंसर लिखेंगे आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स हड्डियों से बनी है स्केलेटन ढांचे से स्केलेटन की स्पेलिंग देख लें एस के ई एल ई टी ओ एन कॉमा जॉइंट्स जोड़ जे ओ आई एन टी एस जॉइंट्स एंड मसल्स एम यू एस सी एल ई एस

We'll move towards our further question answers in the coming classes. Till then, take care and Allah.